मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दमोह दौरे पर पहुंचे। हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे तहसील ग्राउंड स्थित मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में जहां मुख्यमंत्री ने किसानों से किए वायदे को निभाने की बात कही, वहीं उन्होंने प्रदेश की पुरानी शिवराज सरकार एवं केंद्र की मोदी सरकार को जमकर निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की उन्नति की बात भी कही। तहसील ग्राउंड पहुंचते ही कांग्रेसियों ने कमलनाथ का जमकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मंच पर जाने से पूर्व लोगों से भी मिले, साथ ही उनकी बात भी सुनी। मंच पर पहुंचते ही कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। साथ ही इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी, जहां प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में किसानों एवं युवाओं की बात रखी। साथ ही उन्होंने पूर्व की शिवराज सरकार एवं केंद्र को मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सभा के बाद कमलनाथ पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमारिया के परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने भी पहुंचे। कमलनाथ की सभा के दौरान रामकृष्ण कुसमारिया भी मौजूद रहे। खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर, ये बच्चे ये नौजवान इस तरफ नारे लगा रहे हैं। ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या हो। आज जिस प्रकार का मध्य प्रदेश 25 दिसंबर को हमें सौंपा गया, 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, खजाना खाली। ये मध्य प्रदेश उन्होंने हमें 25 दिसंबर को सौंपा था। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है? हमने वचन दिया था कि हम मध्य प्रदेश में विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे, और लगभग इस 80 दिनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया।